नाउ लेट अस लुक एट द नेक्स्ट स्टेज. अब इसमें से आप क्या माइनस करोगे? एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, इजंट इट? अब देखो बहुत सिंपल सा है, लॉजिकली जा रहे हैं हम लोग. प्रोडक्शन कॉस्ट की बात करी तो मटेरियल कॉस्ट आ गई, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई. अब क्या है अगली कॉस्ट, क्या है उसको बोलते हैं एस जी एन ए, सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस. सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये करीब करीब इस ऑलमोस्ट आपकी फिक्स्ड कॉस्ट ही होती है, ये आपकी फिक्स्ड कॉस्ट ही होती है ना. तो अभी समझो ये आपके 100 है, तो अभी बचा कितना? 400. इसको बोलते हैं एबिटडा. इसको मैं लिख देता हूं पूरा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, एबिटडा इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन. This is called EBITDA. EBITDA. EBITDA को कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं. और समझ के लीजिए, नो रॉकेट साइंस. EBITDA को कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपके हाथ में कितना पैसा आया सेल से? 1000. कितना रॉ मटेरियल कॉस्ट में निकल गया? 400. कितना मैन्युफैक्चरिंग खर्चे में निकल गया? 100. कितना एसजीएनए में निकल गया? आपके हाथ में कितना बचा? 400. यानी कि आपके ऑपरेशन से आपके हाथ में जो कैश बचा वो कितना बचा? एंड दिस इज, इसलिए इसको बोलते हैं कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट. यानी कि आपके ऑपरेशन से जो कैश आपके हाथ में आया दैट इज 400 एंड दैट इज योर एबिटडा, दैट इज योर ऑपरेटिंग कैश प्रॉफिट. ये एक चीज बताऊं मैं आपको, ये फिगर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. ये फिगर क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये आप, ये आपके बिजनेस की कैपेबिलिटी को जाहिर करता है. ये आपके बिजनेस की जो कैश जनरेटिंग कैपेसिटी है वो बताता है. क्या लगता है आपको कि अगर आपको कोई बिजनेस का वैल्यूएशन करना हो, समझो आपको कोई बिजनेस खरीदना हो, है ना, तो आप क्या चीज़ देखोगे उसकी? पर आप कोई बिजनेस को लोगे, कोई ये कंपनी खरीदनी है आपको, कैसे खरीदोगे आप वो कंपनी, कैसे खरीदोगे? पहले बैलेंस शीट देखोगे. ओके, और क्या देखोगे? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखोगे. और क्या देखोगे? उसका सेल्स देखोगे. और क्या देखोगे? कंपनी खरीदनी है आपको. और देखो आज की तारीख में बहुत कंपनियां खरीदी बेची जा रही है ना, देखते हैं रोजाना अखबार में. तो ये जो नंबर है, ये नंबर फंडामेंटल है. ये नंबर क्या बताता है आपको? ये नंबर आपको बताता है कि ये कंपनी के ऑपरेशन से इतना कैश अपने हाथ में आता है. यानी कि ये इस बिजनेस की कैश जनरेटिंग कैपेसिटी है. समझ रहे क्या कह रहा हूं मैं? यानी कि ये बिजनेस जो है वो 400 करोड़ का कैश जनरेट करता है इसके ऑपरेशन से. तो ये फिगर ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? ज्यादा. तो जितना ज्यादा उतना आपके बिजनेस की वैल्यू ज्यादा होगी कि कम होगी? ज्यादा होगी. समझ रहे? तो अब समझ के लीजिए, पूरी दुनिया में जब भी कोई कंपनी को खरीदा बेचा जाता है तो ये जो फिगर है ना, इसके मल्टीपल में करते हैं. जैसे 10 multiples of 10. यानी कि अगर किसी कंपनी की एबिटा 400 है और मल्टीपल ऑफ 10, यानी कि ये कंपनी को अगर कोई खरीदेगा तो ये कंपनी को 4000 करोड़ में खरीदेगा. क्यों? क्योंकि उसका एबिटा कितनी है? 400. कोई भी वो उसका 10 times देने को तैयार है. समझ के लीजिए, 10 times क्यों देने को तैयार है? कोई आदमी 400 की एबिटा है, समझ के लीजिए 400 की एबिटा है, और वो 10 times ऑफ ये कंपनी खरीदनी है आपको, तो आप उसका 10 गुना देने को तैयार हैं. क्यों? 10 गुना कितना हो गया? 10 साल में रिटर्न ऑफ इयरली. This is yearly. 10 year में रिटर्न आ जाएगा. 10 year में रिटर्न आ जाएगा. अब देखिए क्यों कोई इसको 10 का मल्टीपल करके यूज करता है? क्योंकि 400 का प्रॉफिट है, 10 टाइम्स किया तो 4000 हो गया. 400 divided by 4000 कितना हुआ? 10%. इसका मतलब ये बिजनेस को अगर आप खरीदते हो तो ये बिजनेस आपको 10% का रिटर्न देगा. इसका मतलब अगर 10% आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन है तो आप इस बिजनेस को खरीदोगे.
अगर आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन 10% से ज़्यादा है तो आप ये बिजनेस को नहीं नहीं खरीदोगे, क्योंकि वो आपको रिटर्न पूरा नहीं देगा। सो ये है एबिटा, है ना, एबिटा। एक चीज़ और बताऊँ, एबिटा से आपके बिजनेस की बोरोइंग कैपेसिटी भी मालूम पड़ती है। एबिटा जो है उससे आपके बिजनेस की बोरोइंग कैपेसिटी भी मालूम पड़ती है, यानी कि आपका बिजनेस कितना बोरो कर सकता है। ओके, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। एबिटा में से आप क्या माइनस करोगे, क्या माइनस करोगे, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। सो यू विल माइनस डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, एंड लेट्स सी दैट फिगर इज 50, सो व्हाट इज लेफ्ट इज 350, एंड दिस 350 इज नोन एज ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स।